हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी पारा मेडिकल स्टडी चैनल। तो आइए हमारे नया क्वेश्चन जानते हैं। एनाटॉमी का ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें लिखा है, इनमीडिएट ओनली द नेम ऑफ द फ्लोइंग, केवल इसका नाम लिखना है। ठीक, तो यदि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर कॉमेंट करना जरूर नहीं भूलिएगा। तो चलिए आप जानते हैं, फर्स्ट ए में है फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन का इसका नाम लिखना है, कौन कौन सा होता है आप जानते ही होंगे। ए डी के ई होता है, इसका एक टिक होता है ए डी के ई। तो सबसे पहले होता है विटामिन ए, ए को बोला जाता है रेटिनॉल। विटामिन डी, डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल। उसके बाद विटामिन ई, ई को बोला जाता है टेकोफेरॉल। और विटामिन के, के को बोला जाता पॉलीक्यूनॉन, सॉरी फाइलोक्यूनॉन बोला जाता है। विटामिन के को बोला जाता है फाइलोक्यूनॉन। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। उसके बाद बी लेयर ऑफ द मेनिन्जेज, लेयर ऑफ मेनिन्जेज पूछा। लेयर मेनिन्जेज किसको बोलते हैं, कवरिंग ऑफ ब्रेन, पहले पढ़ा चुके हैं कवरिंग ऑफ ब्रेन, देख सकते हैं आप कवरिंग ऑफ ब्रेन को बोला जाता है मेनिन्जेज। ठीक, मेनिन्जेज बोला जाता है। इसमें देखिए ये ब्रेन हुआ, इसके ऊपर जस्ट होता है क्या होता है पायामेटर होता है, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है एरेक्नोइड, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है डुरामेटर। आउटर लेयर डुरामेटर होता है, मिडिल लेयर होता है एरेक्नोइड, और इनर लेयर होता है पायामेटर। पायामेटर और एरेक्नोइड के बीच में होता है सीएसएफ, सीएसएफ भरा रहता है जो स्पाइनल कॉर्ड तक कंटेनिंग रहता है। स्पाइनल कॉर्ड भी इसी तीन लेयर से बना रहता है। ठीक, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो बोला जाए देयर आर द थ्री लेयर ऑफ द मेनिन्जेज अराउंड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के तीन ये दोनों क्या होता है, तीन लेयर से बना होता है। सबसे ऊपर आउटर जो होता है ड्यूरामेटर होता है, उसके जस्ट नीचे होता है मिडिल लेयर एरेक्नोइड, और उसके सबसे नीचे होता है इनर लेयर पायामेटर का होता है। ठीक, तो ये रहा आपका तीनों लेयर का नाम। उसके बाद पूछा जाए सी में पूछा गया है बोन्स फॉर्मिंग एल्बो ज्वाइंट, बोन्स फॉर्मिंग एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट कौन कौन बोन फॉर्मिंग बनाता है। ठीक, तो इसके बारे में जानते हैं। एल्बो ज्वाइंट मेड ऑफ द थ्री बोन, तीन बोन एल्बो ज्वाइंट को बनाने में रोल है इसका। तो कौन कौन सा बना होता है, सबसे पहले तो सबसे पहले ऊपर में होता है ह्यूमरस, ह्यूमरस जो आपके हाथ जो है उसके ऊपर ऊपर वाले बोन का क्या नाम है ह्यूमरस। और उसके नीचे जस्ट होते हैं उसमें दो बोन होता है रेडियस और अल्ना, ये दोनों मिलके क्या होता है एल्बो ज्वाइंट का, ये तीनों मिलके एल्बो ज्वाइंट बनाता है। तो ये एल्बो ज्वाइंट आपका ये केहनी से केहनी का ये ज्वाइंट हुआ। ठीक, तो इसी को बोला द एल्बो इज द, एल्बो इज द हिंज ज्वाइंट, एल्बो एल्बो ज्वाइंट यहाँ लिखे, एल्बो ज्वाइंट इज ना हिंज ज्वाइंट बोला जाता है। इसको कौन सा हिंज ज्वाइंट बोलता है, कब्जा संधि जिसको बोलते हैं, कब्जा की बारी के अति काम करता है। ठीक, तो आपका रहा ये एल्बो ज्वाइंट। उसके बाद है डी में पूछा गया है सिक्रेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्लैंड से कौन सा कौन चीज सिक्रेस होता है। ठीक, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, देखिए हाइपोथैलेमस के नीचे जो जस्ट होता है उसके पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इससे आपका क्या होता है एंजाइम्स हार्मोन इससे जो स्रावित होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक, द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस सिक्स मेजर हार्मोन, इससे क्या होता है मेनली जो होता है छह हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। तो फर्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन पीआरएल, प्रोलैक्टिन होता है। दूसरा है ग्रोथ हार्मोन जीएच, तीसरा है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, उसके बाद है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, एडिनोकोर्टिकोइड हार्मोन एसीटीएच बोला जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच जिसको बोला जाता है, उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच बोला जाता है, उसके बाद है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच बोला जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी स्रावित करता है। उसके बाद है एक अलग से सातवां है मेलेकोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच भी बोलता है, ये भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपका रहा छ मेनली होता है, एक सातवां है ये लक्ष्य दिया है मेलिनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो मतलब में ज्यादा मात्रा में नहीं होता है, कम मात्रा में होता है, ये पहले होता है मेनली, ये आपको छ हार्मोन जो है ये स्रावित होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये आपका हाइपोथैलेमस, ठीक हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसको बोलते हैं आगे वाले को एंटीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाले को पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन स्रावित होता है, ठीक। तो ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन स्रावित होने वाले हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ, ठीक। थैंक यू, बाय।